एक विलेज में कुछ अजीब हो रहा होता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर भूकंप आई है। तभी मार्क्स कहता है, विज़र्ड किंग एक गड़बड़ है। विज़र्ड किंग कहते हैं, इसके लिए हम उन्हें मिशन पे भेजेंगे। ब्लैक बोल्स के अड्डे में लक लड़ाई के लिए जीत कर रहा होता है, पर मैग्ना मना करता है। अस्ता एक्सरसाइज कर रहा होता है, भैनेसा दारू पी रही होती है और इस तरह सभी अपने अपने फेवरेट काम में बिजी होते हैं। तभी उस आंटी चिड़िया को कुछ नाम देने का डिसाइड किया जाता है। भैनेसा कहती है, इसका नाम दारू रखते है। गोचे कहता है, मैं इसे मैरी का फर्स्ट लेटर एम दूंगा। मैग्ना कहता है, कुछ अच्छा रखो यार, जैसे कि मैग्नम फायर। नोएले कहती है, बेकार। चार्मी खाना खाते हुए कहती है, मैं इस चिड़िया को खा सकती हूँ क्या, टेस्टी होगा। नोएले कहती है, बिल्कुल नहीं। अस्ता उसके नाम देता है टोरी टारो। नोएले कहती है, नहीं इसका नाम होगा सिल्वांटस। लोग कहता है, नेरो कैसा रहेगा। सब लोग इस पर आग्रह होते है। नोएले कहती है, नेरो का मतलब ब्लैक है ना। तभी कैप्टन यामी हेडक्वार्टर में आते है। सब पूछते है, कैप्टन हमारे लिए कुछ मिशन है क्या। कैप्टन यामी कहते हैं, सब लोग पहले सुनो, एक डंजन मिला है। ये सुनकर आस्था और मैग्ना एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर आस्था पूछता है, ये डंजन क्या है। मैग्ना कहता है, बिना जाने खुश मत हो जाओ। सुनो, डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने लोगों की चीजें हैं और खतरनाक मैजिक है। ये कीमती चीजों से भरी एक कमाल की जगह है। लक कहता है, लेकिन पहले के लोगों ने उन खजानों की रक्षा के लिए जाल बिछाया था ताकि कोई चुरा ना ले। काफी खतरनाक और मजेदार है। भैनेसा कहती है, इसलिए मैजिक नाइट्स उनकी जांच करते हैं ताकि कुछ चोरी ना हो। नोएले कहती है, मतलब इस बार इस डंजन की जांच ब्लैक वुल्फ्स करेगी। यामी कहते हैं, क्योंकि वो हमारे दुश्मन के इलाके में आ गया, डायमंड किंगडम में। हमें जल्दी करना होगा ताकि डायमंड किंगडम वाले इसे चुरा ना ले। वहाँ काफी ताकतवर जादू भी है जो दुनिया के लिए खतरनाक है, और कई चीजें भी है। आस्था कहता है, मैं भी जाऊंगा, मुझे वो अल्टीमेट जादू चाहिए। यामी कहते हैं, तुम्हारे पास तो मैजिक ही नहीं है, पर तुम जा सकते हो आस्था, क्योंकि विज़र्ड किंग ने तुम्हें चुना है। मैग्ना कहता है, बहुत अच्छे आस्था, तुम विज़र्ड किंग से कहीं मिले हो क्या। आस्था कहता है, नहीं तो। उसके आंखों में तारे चमकने लगते है, वो बता नहीं सकता है कि वो कितना खुश है। यामी कहते है, नोएले और लॉक तुम दोनों भी उसके साथ जाओ। लॉक तुम लीडर हो, इन दोनों का ख्याल रखना। लॉक कहता है, जरूर। पर नोएले को उसके लीडरशिप पर डाउट होता है। फिनरल उन्हें उस डंजन से थोड़ी ही दूर जगह में छोड़कर चला जाता है। नोएले कहती है, हमें सीधा डंजन में छोड़ा होता तो अच्छा होता। लॉक कहता है, फिनरल से पहले गई हुई जगह में जा सकता है। वो लोग चलते चलते उस डंजन के आगे पहुँचते है। जैसे ही वो तीनों एंट्री करने वाले होते है, आस्था अपने सर पे उस आंटी चिड़िया नेरो को देखकर कहता है, तुम क्यों आए नेरो। वेल, इसका नामकरण हो चुका है तो आज से हम इसे नेरो ही बुलाएंगे। हेडक्वार्टर में मैग्ना पूछता है, विज़र्ड किंग को आस्था के बारे में कैसे पता चला। यामी विज़र्ड किंग को याद करके कहते हैं, विज़र्ड किंग वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, अजीब है। और वो हंसने लगते है। डंजन के अंदर अंधेरा होने की वजह से नोएले डरते हुए कहती है, यह बहुत अंधेरा है। अस्ता कहता है, इसे चिपको मत वरना मैं गिर जाऊंगा। नोएले हिचकिचाते हुए कहती है, कौन चिपक रहा है। और फिर वो गलती से अस्ता के ऊपर ही गिर जाती है और उनका लैम्प टूट जाता है। मुझे नहीं पता इस डंजन में उन्हें लैम्प कहां से मिला था। अब उन तीनों को पूरे अंधेरे में जाना पड़ता है। नोएले अस्ता से कहती है, थोड़ा देख कर चलो। अस्ता कहता है, क्या करूँ, यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम कितनी चिड़चिड़ी हो। नोएले कहती है, क्योंकि तुमने वो लैंप तोड़ दिया था, कितने डरपोक हो तुम। आस्था कहता है, ओए इसमें तुम्हारी गलती थी। नोएले कहती है, मैं राजघर से हूँ। तभी लक को एक रास्ता मिल जाता है। उस डंजन का नजारा अमेजिंग था, पूरी जगह में मैना ही मैना थी। आस्था कहता है, वाओ कितना सुंदर है, ये कैसी जगह है। लक कहता है, ये जगह जादू से भरी हुई है। लक को कुछ महसूस होता है, वो कहता है, यहाँ बाहर से ज्यादा मैना है। हाँ आज तक इतना मैना मैंने कभी नहीं देखा। आस्था पूछता है, ये मैना क्या है। नोएले कहती है, तुम्हें मैना नहीं दिख रहा। आस्था कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुनकर नोएले कहती है, बिना जादू वाले लोग कितने अजीब होते हैं। आस्था शर्मिंदा होकर कहता है, मुंह बंद रखो, मुझे भी मैना दिखना है,
कोई तो मुझे मैना दिखा दो। तुम लोग कितने लकी हो, ज्यादा मैना वाले अमीर लोग। मेरे पास तो बिल्कुल भी मैना नहीं है। इसे ही वो रोते हुए जमीन पे मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से एक मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। पर आस्था उसे अपने एंटी मैजिक तलवार से काट देता है। फिर लॉक उसे और एक ट्रैप दिखाता है और वो उसे उस ट्रैप की ओर धकेल देता है। जैसे ही वो ट्रैप एक्टिव होता है, आस्था उसे काट देता है। आस्था डरते हुए लॉक को कहता है, ऐसा क्यों किया? लॉक कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने। वो ऐसे ही एक के बाद एक मैजिकल ट्रैप्स को एक्टिव करता रहता है और आस्था उन सबको अपने तलवार के मदद से काटता रहता है। लॉक के ऐसे हरकत को देखकर वो दोनों कहते हैं, इसके साथ रहेंगे तो पक्का मरेंगे। ब्लैक बॉल्स के हेडक्वार्टर में वैनेसा कहती है, वो बच्चे ठीक तो हो गए ना? यामी कहते हैं, मिशन जितना खतरनाक होगा वो बच्चे उतने ही ताकतवर बनेंगे शायद, क्योंकि उनके साथ लॉक है। उसकी मैना एक राजघर से भी ज्यादा है। उसका दिमाग ठीक होता तो वो अभी गोल्डन डाउन में होता, इसीलिए तो डर है। डंजन में लॉक आस्था से कहता है, तुम्हारा आंटी मैजिक जादू कमाल का है, शायद इसीलिए तुम्हें विज़ार्ड किंग ने चुना। 2-3 साल के बाद मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, अगली बार तैयार रहना। ये डंजन तो आसान था, तो अब मैं और नहीं रुक सकता। वो मैना को महसूस करके कुछ ढूंढने लगता है, जैसे यूनो ने मैना को महसूस करके उन किडनैपर्स को ढूंढा था। जैसे ही लॉक को कोई अनजान ताकतवर मैना महसूस होता है, वो एक पागल की तरह कहता है, मुझे पता था यहाँ और भी लोग होंगे। होली लाइटनिंग बूट्स, मुझे कुछ जरूरी काम है तो डंजन तुम्हारे हवाले करता हूँ। नोएले डरते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो, सोच क्या रहा है वो? पर आस्था कहता है, कितना कूल है। नोएले आस्था को कहती है, सच में विश्वास नहीं होता, कैप्टन ने उसे कहा था भी हमारा ख्याल रखने के लिए। आस्था कहता है, चिंता मत करो, कोई भी आए उसे काट डालूंगा, ये डंजन तो कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा, यूनो से पहले मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। नोएले कहती है, यूनो? आस्था कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें कभी उसके बारे में बताया नहीं ना? वो मेरे विलेज का बचपन का दोस्त है, हमने एक साथ एग्जाम दिया था और वो गोल्डन डाउन में चला गया। नोएले कहती है, कमाल का है ना, बिना राजघर के गोल्डन डाउन। आस्था कहता है, हाँ वो कमाल का है, लेकिन मैं उससे नहीं हारूंगा। नोएले मन में सोचती है, शायद इसके भी सपने हैं, पर हम अभी अकेले हैं। सिल्वेंटस, मेरा मतलब नेरो है, लेकिन आस्था पूछता है, क्या हुआ? नोएले कहती है, कुछ नहीं। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, वो एक पौधे जैसे मैजिक के जाल में फंस जाती है। आस्था उसे बचाने का कोशिश करता है, पर वो भी फंस जाता है। ये पौधा उन्हें धीरे धीरे निकलने का कोशिश करेगा, फिर उन्हें पूरी तरह से खा लेगा, लेकिन उसी वक्त कोई अपने विंड तलवारों से हमला करके उन्हें बचा लेता है। वो दोनों ये देखकर हैरान थे। नोएले कहती है, इतना ताकतवर जादू कौन है वो? तभी ब्लैक वॉल्स में कैप्टन यामी कुछ याद करके कहते हैं, अरे हाँ, मैं बताना भूल गया था कि वहाँ गोल्डन डाउन से भी कुछ लोग गए थे। मैग्ना कहता है, गोल्डन डाउन से? कैप्टन यामी कहते हैं, उनमें दोस्ती हो तो अच्छा है। आस्था नोएले पीछे मुड़कर गोल्डन डाउन के मेंबर्स को देखते हैं। आस्था और यूनो एक दूसरे का नाम पुकारते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।